बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पबजी मोबाइल का ट्विन ब्रदर। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया में अभी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो गेम है वो आने वाला है। अगर आपने अब तक उस गेम को प्री रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फटाफट से प्ले स्टोर पर जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक है उसके ऊपर एक दस सिंगल टैप करके आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाओगे एंड वहाँ से आपको कर देना है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को प्री रजिस्टर, अगर आप उसको सबसे पहले खेलना चाहते हो तो। तो गाइस जैसे कि आपको पता रहेगा 2020 के अंदर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से पबजी मोबाइल जो गेम है वो बैन हो चुका है, यानी कि उन्होंने वो गेम ऑफिशियली बैन किया। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग या कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स हो गए जो लोगों को पबजी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद था, वो लोग VPN वगैरह लगा के खेलते हैं, बट जो ऑफिशियली इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल है वो पबजी मोबाइल जो है वो बैन हो चुका है। यानी कि मतलब कोई लोग VPN लगाते हैं, कोई लोग रीजन वगैरह चेंज करके खेल लेते हैं, बट ऑफिशियली जो गेम है इंडिया में बैन है। अभी गाइस प्रॉब्लम यह होता है कि अभी जो न्यू गेम आने वाला है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया उसके बारे में इश्यूज कुछ ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि यार ये जो गेम है वो पूरा का पूरा पबजी मतलब क्या ही बोले मतलब यार पबजी का इंडियन वर्जन है, ऐसा गेम जो पबजी का ही है बट मतलब पबजी ही है, बस उसको थोड़ा नाम चेंज करके थोड़ा लोगो वोगो चेंज करके गेम ऑन करने के बाद जो इंटरफेस होता है वो चेंज करके बाकी जो अंदर का मेन बैटल रॉयल है जो गेम है जो TDM है वो पूरा सेम है। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे नेग्लिजिबल चेंजेस किए हुए हैं जो कि मतलब समझेंगे भी नहीं कि वैसा चेंजेस हुआ है। तो गाइस प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के एक MLA ने अपने जो इंडिया के ये टाइम के प्राइम मिनिस्टर है उनको एक प्रॉपर डिटेल्ड में 3-4 pages का एक प्रॉपर डिटेल लेटर लिखा है कि जो पबजी मोबाइल है और जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है दोनों के दोनों सेम ही है, खाली थोड़ा बहुत एकदम नेग्लिजिबल जो मैंने आपको बोला एकदम नेग्लिजिबल फ़र्क किया हुआ है, नेम चेंज किया हुआ है, लोगो चेंज किया हुआ है एंड जब भी हम लोग गेम ओपन करते तो इंटरफेस आ जाता है, अपना कैरेक्टर आता है, बाजू में सारे ऑप्शन वगैरह आ जाते हैं, स्टोर वगैरह आता है, वो हल्का सा चेंज किया है, बाकी टोटल सेम है। जो मेन अंडर का जो गेम है जब भी हम लोग गेम चालू करते हैं TDM खेलते हैं बैटल रॉयल खेलते हैं जो मेन अंदर का जो गेम है वो पूरा सेम है, तो उसमें कुछ फ़र्क वगैरह कुछ भी नहीं किया है, उल्टा ये मतलब गवर्नमेंट को छोटा सा ट्रिकी टाइप कर रहे हैं ये लोग, मतलब ये भी बैन कर देना चाहिए ऐसा उनका कहना है, अरुणाचल प्रदेश के MLA का कहना है जिन्होंने लेटर भेजा है। तो वैस प्रॉब्लम ये हो जाता है क्योंकि यार ऑब्वियस ये बात है यार ये सबको ही पता है क्योंकि जो BGMI है एंड पबजी मोबाइल वो टोटली सेम है, ये तो मुझे आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको भी पता रहेगा। एंड जो मतलब क्योंकि जो जिन कंपनी ने ये वाला जो गेम है BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया बना रहा है क्राफ्टन, तो यार ये जो कंपनी है क्राफ्टन इनके जो एम्प्लॉयज़ है कुछ इनके एम्प्लॉयज़ Tencent गेम के ही है, मतलब आपको पता है वो Tencent गेम्स जिन्होंने पबजी मोबाइल गेम बनाए जिन्होंने पबजी मोबाइल गेम लॉन्च किया तो उनके ये तो इसके खिलाफ भी थोड़ा सा इशू अगर हो रहा है तो ऐसे में दोस्तों प्रॉब्लम ये हो जाता है अगर पबजी के भी अनबैन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर जो अपने अभी गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर दिया BGMI जो है अभी जो बनाया हुआ है उसी को लॉन्च कर देना चाहिए तो भाई Tencent गेम्स जो है उन वो लोग को आ जाएगा गुस्सा, क्योंकि यार आपको मैंने पहले ही बताया दोनों गेम्स टोटल सिमिलर क्या भाई पूरा सेम ही है, जो मेन गेम है वो पूरा का पूरा सेम है, बाकी थोड़ा एकदम नेगलिजिबल फ़र्क क्यों हुआ है, जो Tencent गेम है उनको आ जाएगा गुस्सा कि यार क्यों मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को अगर ये लोग ऑन कर सकते हैं तो हम लोग के गेम को क्या गुना है फिर, क्योंकि यार उनकी भी बात राइट है यार अगर जो BGMI है वो अगर ये जो अभी जो कंडीशन में अभी जो स्टेट में वो लोगों ने बनाया है क्राफ्टन वालों ने अगर इसी स्टेट में अगर लॉन्च होता है तो यार ऑब्वियस ही बात है यार तो Tencent गेम्स का क्या क्राइम है फिर, वो लोग का भी गेम आराम से लॉन्च कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा हो सकता है तो गाइस माइट बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जो पबजी है वो इंडिया के अंदर फिर से अनबैन हो सकता है। यस गाइस पबजी इंडिया के अंदर फिर से अनबैन हो सकता है, पता नहीं मुझे इसके बारे में, ये तो मुझे खैर लग रहा है बट आपको क्या लग रहा है इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। फिलहाल ये तो मेरा खुद का पर्सनल सजेशन था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो यार अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, ये वाला मेरा जो सजेशन है मतलब अच्छा लगा है, मतलब आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो यार नीचे लाइक का बटन को फटाफट से मार देना एंड आपको उसमें इस बारे में क्या लगता है BGMI बैन होगा या BGMI फिर से डिले भी हो सकता है, BGMI डिले होगा BGMI बैन होगा या फिर पबजी अनबैन होगा या फिर दोनों अनबैन होंगे, मतलब जो BGMI वो भी आ जाएगा पबजी वो भी आ जाएगा, तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फटाफट से बता दे रहा। तो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।